दोस्तों देश स्तर पर कार्यरत आशा कार्यकर्ता लगातार अपने मानदेय वृद्धि को लेकर संघर्षरत है और खासकर बिहार के आशा कार्यकर्ता को लेकर पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रोत्साहन राशि को मानदेय में परिवर्तित करते हुए उसे 2500 रुपए कर दिया है, लेकिन ये बहुत कम है। पहले बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को और भी कम राशि का भुगतान हो रहा था, लेकिन अब आशा कार्यकर्ताओं को लेकर केंद्र सरकार बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार बिहार सहित देश के तमाम राज्य की आशा कार्यकर्ता को लेकर बेहद गंभीर है, इसको लेकर एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में भी है। बता दें कि बिहार की आशा कार्यकर्ता सहित देश के तमाम आशा कार्यकर्ता को बड़े स्तर पर वेतन वृद्धि का लाभ देने की तैयारी में है, और ये सिर्फ एक राज्य की आशा कार्यकर्ता के लिए नहीं बल्कि देश के जितने भी राज्य हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित अन्य राज्य, बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ता के न्यूनतम वेतन में केंद्र सरकार वृद्धि करेगी और इसको जल्द ही अधिसूचना के माध्यम से जारी किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में आशा कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाकर दिया था और आशा कार्यकर्ता का मानदेय 6100 रुपए कर दिया गया था। साथ ही सभी आशा कार्यकर्ता की सेवानिवृत्ति पर 2,00,000 रुपए करने का निर्णय किया था और इस फैसले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश सरकार ने भी मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ता का मानदेय 6,000 और सेवानिवृत्ति पर 1,00,000 रुपए साथ ही कई अन्य सुविधाओं से आशा कार्यकर्ता को सुसज्जित किया है, और जहां अन्य राज्य आशा कार्यकर्ता को 6,000 मानदेय दे रही है और केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि भी अलग है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा कि जब सभी राज्य अपने आशा कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि कर चुकी है तो बिहार जैसे राज्य में 2500 मानदेय क्यों दिया जा रहा। हर राज्य की आशा कार्यकर्ता के अनुसार ही बिहार के आशा कार्यकर्ता भी उतना ही लगन से अपने क्षेत्र में पूरी मेहनत से कार्य कर रही है, और इसी तरह की असमानता को अब केंद्र की मोदी सरकार खत्म करना चाहती है। केंद्र की मोदी सरकार अब राज्य की आशा कार्यकर्ता को, चाहे वो बिहार की हो या फिर झारखंड की, सभी राज्य की आशा कार्यकर्ता को एक तरह से देख रही है और वेतन और लाभ में समानता लाने का प्रयास अब शुरू हो चुका है। अलग अलग राज्य में अलग अलग स्तर से मिल रहे वेतन और वेतन विसंगतियों को दूर करने को लेकर और देश के सभी आशा कार्यकर्ता के मानदेय में एकरूपता कायम करने के लिए अब केंद्र सरकार केंद्रांश की राशि में वृद्धि ना करके सीधे मानदेय में ही केंद्र सरकार वृद्धि करेगी और आशा कार्यकर्ता को समान वेतन देने का ड्राफ्ट अब तैयार हो रहा। मोदी सरकार देश के तमाम राज्य में कार्यरत आशा कार्यकर्ता को खुशखबरी देने की तैयारी में है, और बता दें कि इससे सबसे ज्यादा फायदा बिहार की आशा कार्यकर्ता को होने वाला है। बिहार की आशा कार्यकर्ता को इसको लेकर तमाम तरह की सुविधाओं में वृद्धि होगी और केंद्र की मोदी सरकार इसकी घोषणा चुनाव से पहले कर सकती है। बता दें कि सिर्फ बिहार के आशा कार्यकर्ता को 2,00,000 रुपए सेवानिवृत्ति राशि की घोषणा सहित मानदेय में सीधे सीधे 5,000 की वृद्धि हो सकती है, और साथ ही राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले केंद्रांश और स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे पत्र में इस बात का जिक्र भी किया है कि आशा कार्यकर्ता को वर्षों से प्रोत्साहन राशि में वृद्धि नहीं किया गया है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले बिहार के आशा कार्यकर्ता को 2500 रुपए मानदेय राशि करते हुए केंद्र से भी इनके केंद्रांश में वृद्धि करने का आग्रह किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार देश की आशा कार्यकर्ता को बड़ा तोहफा देने वाली है। देश में होने वाले आम चुनाव से पहले वेतन वृद्धि के साथ ही अन्य तरह की जो कर्मचारियों को सुविधा दी जाती है, उन सभी सुविधाओं के साथ प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने जा रही है। बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार देश के सभी राज्य में कार्य करने वाले आशा कार्यकर्ता का न्यूनतम मानदेय 12,000 रुपए कर दे, और ये जो राशि दी जाएगी वो सिर्फ केंद्र सरकार देगी, इसमें राज्य की कोई सहयोग नहीं लेगी। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी जहां एक ओर भारत के आशा कार्यकर्ताओं के कार्य को सराहा है, इसको लेकर केंद्र सरकार भी एक तरह से दबाव में है कि आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 रुपए न्यूनतम मानदेय तो दिया ही जाए, जिससे उन्हें जीवन यापन में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। राज्य की आशा कार्यकर्ताओं को जैसे ही 12,000 रुपए न्यूनतम मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा। केंद्र सरकार के इस प्रयास को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा। केंद्र सरकार इस बार विभिन्न राज्य में इंडिया गठबंधन की ओर से कड़े राजनीतिक प्रतिशोध का और विरोध का सामना कर रही है, और ये राजनीतिक रूप से भी इस फैसले को अगर केंद्र सरकार लागू करती है तो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को फायदा होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित और भी खबर पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर